नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। अभी तक जिस भी भाई ने, जिस भी स्टूडेंट ने, विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए आज कॉम्पिटेटिव एग्जाम का कंपाउंड इंटरेस्ट का एक टॉपिक है, उससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं, उसे हम करेंगे। आइए, प्रश्न है, 5,000 रुपये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 3 साल में कितने हो जाए। अब ये प्रश्न मैं आपको 3 मेथड से कराऊंगा, आप तीनों मेथड को देखिएगा। एक मेथड है जो जनरल क्लासेस में हम आज तक यूज करते आए हैं, उस मेथड की कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जो स्पेशली आपको मेथड से करने पड़ते हैं। या फिर आप ये समझ लीजिए कि आप किसी भी टॉपिक को करने जा रहे हैं तो मेथड जो टॉपिक का बेस है वो आपको जरूर पता हो, क्योंकि कई बार ट्रिक्स याद नहीं आती है, उस केस में आपको मेथड क्लियर होना चाहिए। आइए क्वेश्चन करते हैं। पहला मेथड है a इज इक्वल टू b इनटू 1 प्लस r/100 to the power t। तो यहाँ p हमारे पास 5,000 है, 1 प्लस 10/100 to the power 3 5,000 इनटू 11 by 10 और 11 by 10, 3 0 यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, आपका आएगा 5 into 1331 5566, दैट इज योर आंसर। आइए नेक्स्ट मेथड से करते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या है, पहले आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको आपने फ्रैक्शन में चेंज करना है। ये आ जाएगी आपके पास 1/10। अब यहीं से हमारा क्वेश्चन शुरू होगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान मेथड है। मान लीजिए आपके पैसे 10 थे, 1 रुपये उस पर इंटरेस्ट लगेगा तो कितने हो जाएंगे, 11। देन अगेन 10 से 11 और अगेन 10 से 11, क्योंकि टाइम 3 है इसलिए हमने उनको 3 बार लिख दिया। ये तीनों की मल्टीप्लाई 1,000 रुपये, ये तीनों की मल्टीप्लाई 1,331। यहाँ के हिसाब से ये P है, ये A है और इन दोनों का जो डिफरेंस है 331, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 3 चीजें अगर आपको क्लियर हो गई तो 3 तरह से क्वेश्चन को अगर वो पूछे तो आप किसी भी तरह से आंसर कर सकते हैं इजीली। मैं आपको तीनों तरह से बताऊंगा। P तीनों का मल्टीप्लाई 1,000, वो हमारा 10 सोचा था उसके हिसाब से, अमाउंट उसके हिसाब से है 1331 और इंटरेस्ट उसके हिसाब से आता है 331। आप समझेगा, उसने हमें प्रेजेंट वैल्यू ही दी है, उसकी वैल्यू 5,000 है, हमारी 1,000 है, तो कितने का फर्क है, 5 गुना का। तो आपके अमाउंट और उसके अमाउंट में भी कितने का फर्क होगा, 5 गुना का, यानी कि इसको अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर का अमाउंट जो है वो आ जाए, दैट इज योर आंसर। इसी क्वेश्चन को समझिएगा, कई बार ऐसे क्वेश्चन को वो क्या करता है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट नहीं देता, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं बताएगा आपको, वो इधर अमाउंट बता देगा कि आपके पास जो पैसे हैं वो 6,655 रुपये बढ़ गए। मतलब स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होगी कि कुछ पैसे 10% ब्याज पर 3 साल के लिए दिए गए तो वो 6,655 हो गए, बताइए कि वो पैसे कितने थे। तो उस कंडीशन में इससे कंपेयर करेंगे, 3, 1, 3, 3, 1 से इसको डिवाइड करेंगे, आपके पास 5 गुना का फर्क आएगा, आप 5 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो पैसे आएंगे। या क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि कुछ पैसे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 3 साल के लिए दिए जाएं तो ब्याज आपका 1,655 रुपये बनता है, ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट बता देगा तो ब्याज कितना बनता है, 1,655 रुपये, तो बताइए कि वो पैसे कितने। तो जब आपको ब्याज देगा तो आप कंपेयर फिर अपने इंटरेस्ट के साथ, यानी कि 3 कंडीशन है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट बताए तो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ कंपेयर करते हैं, आपको अमाउंट बताए जो इंटरेस्ट लगने के बाद बना, मिश्रधन जिसको हिंदी में बोलते हैं, यदि मिश्रधन बताता है तो फिर आपको इस मिश्रधन के साथ कंपेयर करना है, और यदि ब्याज आपको देता है तो फिर आपको ब्याज के साथ कंपेयर। तो 3 केस है, एक ही फॉर्मूले से आपके क्लियर हो रहे हैं। आइए इसका थर्ड मेथड करते हैं।
थर्ड मेथड, जैसे आपके पास जो फ्रैक्शन बनाई आपने 10 आया था, तो हम सोच लेते हैं कि 10 टू द पावर क्यूब और आपके पास जो अमाउंट है वो कितनी है 1000। ये जो मेथड है ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें ज्यादा यूज हम नहीं करते हैं। ये यूज किस में होता है, जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया जाता है। आगे चलकर हम वो क्वेश्चन भी करेंगे, तो आप ध्यान से देखना कि मेथड उसमें यूज होगा। यही समझ लेते हैं कि यहाँ पर भी ये यूज हो जाता है। तो 10 टू द पावर क्यूब, अगर हम इस पर इंटरेस्ट देखें तो हमारा 1/10 यानी कि 100, दूसरे साल का भी 100, तीसरे साल का। ये तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ, हमने निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है। तो यानी कि दूसरे साल का जो इंटरेस्ट हमारा कंपाउंड होगा वो 100 तो होगा ही होगा, प्लस इससे इंटरेस्ट 1/10 वो लगेगा 10, यानी कि टोटल जो हुआ वो कितना हुआ 110। तो 100 ये हो गया, 110 ये हो गया। अब इस साल ये 100 तो चलेगा ही चलेगा, प्लस इसका 1/10 10, या ये मत करें इसकी जगह में आप इसका 1/10 करें, ये कितना हो जाएगा 11, और इसका 1/10 मान जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। ये टोटल आपके पास आ जाएगा 121। ये 1/10 आया था और ये 3, ये आपके हो गए हैं 331। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब आप फिर उसी तरह से करेंगे, यदि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ कंपेयर करें, यदि अमाउंट पूछता है तो इसके हिसाब से अमाउंट आपका हो जाएगा 1331। यदि अमाउंट पूछता है तो अमाउंट के साथ कंपेयर करें, और यदि आपसे प्रिंसिपल अमाउंट आपको दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट जो भी चीज आपको गिवन है उस चीज के साथ आप कंपेयर करेंगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने पिछले मेथड में किया था, और उसी हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। आइए दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट का वो टाइप करते हैं जब आपको रेट एंड इंटरेस्ट ये दोनों चीजें दी होती हैं। जनरल जो एचएसएससी के एग्जाम होते हैं ज्यादातर क्वेश्चन जो है इसी कंसेप्ट से आते हैं। आपको रेट एंड इंटरेस्ट दोनों दिए होंगे, आपसे अमाउंट या कंपाउंड इंटरेस्ट या प्रिंसिपल, इन तीनों में से कुछ ना कुछ आपसे पूछेगा। प्रश्न है 7500 रुपए 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल में कितने हो जाएंगे। समझने की बात सिर्फ ये है कि आपसे अमाउंट पूछा गया है, कितने हो जाएंगे। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पूछता, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता, तो यहीं पर पूछता है कितने रुपए ब्याज बढ़ेगा, आपको सिर्फ यही समझना है, अंडरस्टैंडिंग है। 4% सबसे पहला काम जो आपने करना है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में चेंज करना है। 4% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 4/100 दैट इज 1/25। और याद रखिएगा ये भी जब आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी कि परसेंटेज को देखकर ही आप अंदाजा लगा लोगे कि कितना इसका फ्रैक्शन आने वाला है। चलिए 1/25 तो हम मानते हैं 25 रुपए है, 1 रुपए इंटरेस्ट लगता है तो 26 रुपए, टाइम 2 का है तो 2 बार लेते हैं, ये 676 और ये 625। ये भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि स्क्वेयर भी एक वीडियो अलग से है मेरी स्क्वेयर्स की, तो वो आप सुन लेना। स्क्वेयर बड़ी इजीली याद होता है, 2 डिजिट के स्क्वेयर तो बहुत ही आसान है, 1/200 आपके बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। तो यहाँ के हिसाब से हम कंपेयर करेंगे अपना और इंटरेस्ट, 7500 और हमारे पास आएगा 625। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे 625 एक पे लेगा 2500, 1250 दो पे जाएगा, 12 टाइम मल्टीप्लाई आएगा, तो इसको भी आप 12 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो ऑप्शन रहेंगे इस क्वेश्चन के वो इस हिसाब से होंगे कि आपको गुणा करने की भी जरूरत शायद ना पड़े, मल्टीप्लाई की भी जरूरत आपको ना पड़े। तो इसका जो आंसर आएगा आपका 12 से आप मल्टीप्लाई करोगे 12, 6, 7, 12, 7, 8, 9, 12, 5, 6, 12, 9, 10, 12 का आंसर रहेगा 81, 12। इट मे बी पॉसिबल कि ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा हो जिसकी लास्ट डिजिट 2 हो, और नहीं तो मल्टीप्लाई का भी कंसेप्ट बहुत आसान होता है, मल्टीप्लीकेशन की एक अलग वीडियो है उसमें आप समझेंगे, तो इस तरह से आपका इसका आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 164 रुपए है, तो बताइए वो पैसे कितने हैं। तो 5% का जो फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो 1/25
कितनी आएगा 2021 यहाँ के हिसाब से 400 451 डिफरेंस देखा 42। अब आप एक चीज और दोबारा ध्यान से समझ लें, जैसे मैंने शुरू में बता दिया था, ये है पी और ये है ए और ये होता है कंपाउंड। तो तीन चीजों में से जो भी आपको गिवन है उसी के साथ सबसे पहले कंपेयर करें। आपको जो दिया गया है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है और आपने जो कंपाउंड इंटरेस्ट देखा वो गिवन है, इसके साथ कंपेयर किया तो ये चार मार्क आता है, ये जो 164/41 चार से गया। अब आपसे पूछा गया है कि पैसे असल में थे कितने, आपने जो देखा आपने पैसे सोचे 400 के, लेकिन आपकी सोच और उसकी सोच में 4 होने का फर्क आया है, तो असल में जो प्रिंसिपल है वो 400 × 4 1600 रुपये। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ पैसे 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल में 1352 रुपये हो जाते हैं। समझने की बात यह है कि हमारे को इस बार जो 1352 रुपये दिए वो अमाउंट है, ठीक है, वो अमाउंट है और हमसे पूछा गया है कुछ पैसे यानी कि वो कितने रुपए हैं, तो हमसे प्रिंसिपल पूछा गया। देखिए 4% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 1/25 आ जाएगा, इसका मतलब 25 और ये 1/26, 25 और ये 1/26, ये 1 जोड़ कर लिखते हैं, यानी एक बार अगर आपके पास फ्रैक्शन चेंज आ जाती है तो उसके हिसाब से करेंगे, तो 625 हो जाता है और ये 606 हो जाता है। आप कंपेयर इसके साथ करेंगे ये दुगने का फर्क आ रहा है, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 625 मल्टीप्लाई टू दैट मींस 1250। तो पैसे और सकते कितने थे 1250 रुपये। आइए अब वो क्वेश्चन करते हैं जिसमें रेट एंड टाइम के साथ साथ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया होता है। कुछ पैसे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल के लिए ब्याज पर दिए जाते हैं, तो दोनों साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 63 रुपये हो तो बताइए कि वो पैसे कितने। आइए इसे किस टाइप से हमने करना है, थोड़ा सा कंसेप्ट पिछला है कुछ थोड़ा सा अलग है। ये 20 आप इसका टाइम कितना है वो 20 का स्क्वायर देखेंगे 400 का 1/20 का हिस्सा कितना आ गया 20, ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट। 400 का 1/20 का हिस्सा 20, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। अगर सिंपल इंटरेस्ट पहले साल 20 है तो दूसरे साल में 20 होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल चलता है। उसके बाद है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट वो सेम होता है। अब जो दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट वो 20 तो रहेगा ही रहेगा प्लस ब्याज पर ब्याज, यानी कि इस ब्याज पर भी 1/20 वाले जो कि 1 आएगा, यानी कि इस साल का 21 हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो टोटल आपका रहने वाला है वो रहेगा 41, ये रहेगा 40, दोनों का डिफरेंस आया 1, उसने डिफरेंस कितना किया। अब जो कंपैरिजन है वो हमारे डिफरेंस का और जो उसने डिफरेंस गिवन था उसका। पिछले क्वेश्चनों में आपने देखा होगा जो वो चीज देता था, अगर प्रेजेंट वैल्यू देता है तो प्रेजेंट वैल्यू के साथ कंपैरिजन करते थे, यदि इंटरेस्ट देता है तो इंटरेस्ट के साथ कंपैरिजन किया था, यदि अमाउंट दिया था तो अमाउंट के साथ कंपैरिजन किया था, रेट एंड टाइम के अलावा जो भी चीज उसने दी थी उसी के साथ हमने कंपैरिजन किया था। इस बार हमें दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसके डिफरेंस को उसके हिसाब से कंपैरिजन करेंगे। 1 × 63 का फर्क है, पैसे पूछे हैं हमारे 400 हैं तो उसके हिसाब से कितने हो जाएंगे 25,000। ये हमारा आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम 3 ईयर और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो है 122। देखते हैं 5% फ्रैक्शन को परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया 1/20 आपके पास आएगा, तो 20 का क्यूब 2 × 4 × 8
8000 आ गया, 8000 का 1/20 हिस्सा 400, ये तो आ गया 1200 जो कि है सिंपल इंटरेस्ट। यहां तक आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, उलझना नहीं है, बहुत आसान, सिर्फ ध्यान से 400 आई गई आई हो प्लस इस 400 का 1/20, इस 400 का 1/20 जब करो तो 20 होगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा 420, क्या 400 को आई गई आएगा 420 का और 400 का 1/20 ये 20 हो गया, 420 का 42 हो गया, ये आपके पास आ जाएगा टोटल 462। माफ करना यहाँ 21 रहेगा, 42 का 1/20 हिस्सा जब आप निकालोगे तो 0 के साथ 0 कैंसिल, 21 तो वहाँ 21 आएगा और यहाँ तो आपका होगा 441, 420 और 400 ये हुआ 1261। आपका डिफरेंस है 61 का, आपका डिफरेंस 61 का है, इनके अनुसार डिफरेंस 122 का है, कंपैरिजन किया तो 2 गुणे का फर्क, 2 तो आपका जो आंसर होगा 8000 का तो 16 होगा। ये आपसे जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट पूछा गया। आइए इसी क्वेश्चन को हम और भी इजी तरीके से कर सकते हैं, उसे समझिएगा, कंसेप्ट बिल्कुल आसान है। ये जो है ऐसा कि इसको हम मान लेते हैं ए, ठीक है, तो जो डिफरेंस होता है स्पेशली क्यूब के केस में, ध्यान रखना ये क्यूब का केस है, तो जो डिफरेंस होता है वो 3 × a + 1 यानी कि 3 × 20 + 1 60 + 1 दैट इज 61। तो ये जो काम आपने किया था सारा, इस सारे काम से आप बच सकते, लेकिन ये आपको एक अलग से बात याद रखनी पड़ेगी कि थर्ड जब भी टाइम 3 इयर्स का हो तो उस केस में हम इस सारे जुमेले से बच सकते हैं। 61 आपके पास आ गया, 120 उसने दिया था, 61 का डबल है 4000, 8000 कितना ही, तो आपका 16000 आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18,500 रुपए 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल में लिए गए, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरे साल। जब उसको क्वेश्चन को थोड़ा टफ करना होता है तो कई बार ऐसे कर देता है, एक साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग कर देता है और सेकेंड ईयर की रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग कर देता है, कंफ्यूज नहीं होना है। 8% का प्रतिशत बढ़ा है, 2 × 25 बढ़ा दिया, लेकिन 25 और 2 जुड़ गए कितने बढ़ गए 27, दूसरे साल तक किया 20 और 3 वो जुड़ गए कितने हो गए 23। तो जब इनकी मल्टीप्लाई की तो 500, जब इनकी मल्टीप्लाई की तो 621। अब मल्टीप्लीकेशन बहुत आसान है, मैं पहले कह चुका हूँ, 2 डिजिट की तो बहुत ही आसान है, आप अलग से वीडियो में मेरी मल्टीप्लीकेशन उसको आप सुन सकते हैं। तो यहां से हम 500 का कंपेरिजन करेंगे 11500 के साथ, 37 गुना का फर्क, बस आपका जो आंसर होगा वो 37 से आप 33 करेंगे। तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, आंसर में आपको एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा जिसकी लास्ट डिजिट 7 है, आप क्या पहचान बनेंगे लास्ट डिजिट क्या है, 7 आने वाली है, तो डेफिनेटली आपको एक ही ऑप्शन ऐसी मिलेगी, लगभग ऐसे ही होता है, तो आप मल्टीप्लाई करके प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट में आप पहुंच चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपको क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें रेट एंड टाइम आपको गिवन होता था और आप निकालते थे बी सी आई और ए में से कुछ, अब क्वेश्चन जो है इसमें आपसे रेट एंड टाइम दोनों में से एक पूछेगा। तो आइए पहला क्वेश्चन है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन है कि 225 रुपये 256 हो जाते हैं 2 साल, तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी। मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं रेट एंड टाइम निकालने के, वो लगभग ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो या तो किसी का स्क्वायर होते हैं या तो किसी का क्यूब होते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन बदलिएगा, ये जो है ये 25 का स्क्वायर है और ये जो है ये 26 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्योंकि 2 साल का टाइम का छोड़ दीजिए, डिफरेंस कितने का है 1 का, तो आपका आंसर आएगा 1/25 = 4
4%। आई होप के समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 512 रुपए 729 हो जाते हैं 3 साल में। 512 729 स्पष्ट दिख रहा है, लाइन का क्यूब है क्योंकि 3 साल की बात करनी थी, तो डेफिनेटली थोड़ा सा इंडिकेशन आपको मिल जाना चाहिए कि क्यूबिक आया। ये आ गया, क्यूब छोड़ दीजिए, 1/8 × 100 चार दुनिया 25/2 यानी 12.5। क्लियर है, बहुत ही आसान है, आप सिर्फ समझिए, पोज करके देख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ पैसे 8 साल में 3 गुने हो गए, कुछ पैसे 8 साल में ट्रिपल हो गए हैं, 3 गुने हो गए हैं, तो 247 रुपए कहते हैं। तो यहां से जो समझने का विषय होती है कि अगर ये 1 है, ये 3 की पावर 1 हो सकता है, तो 1 से 3 की पावर 1 होने में कितना लगा है? 8 साल लगे। ये 3 की पावर कितनी हो सकती है? 3×9 = 12 3 का पावर आप, तो 3 की पावर 1 होने में 8 साल लगे हैं, तो 3 की पावर 5 यानी कि 247 होने क्या लिखी है, 3 की पावर 5 होने में कितना टाइम लगेगा? 1 से 5 यानी कि 5 गुना, तो 8 × 5 बराबर 14 ईयर। 1 का 3 होने में 8 साल लगते हैं, 3 की पावर 1 समझ लेते हैं, 247 होने में कितना टाइम लगेगा, तो 247 को भी पावर में लिख लेते हैं, इसी पावर में आ जाता है अमूमन, तो 3 की पावर 5 तो 8×5 = 40 यानी कि 40 साल में हो जाएंगे। कुछ पैसे को दुगना होने में 3 साल, किसी पैसे को दुगना होने में 3 साल लगे, तो 64 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो 2×2 = 1 64×2 = 6 यानी कि 1 तक आने में 3 साल लगते हैं, तो 6 तक जाने में 1 का 6 गुना बढ़ गया, तो 3 का भी 6 गुना बढ़ जाएगा यानी कि 18 साल आपको लगने पड़ेगा। कुछ धनराशि 3 सालों में 3 × 3/8 गुना हो जाती है, कुछ धनराशि 3 सालों में 3× 3/8 गुना हो जाती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएं। चलिए ये 1 है, 8×2 = 24 × 3 = 27/8 टाइम 3 साल दिया था, तो ये 1 का क्यूब तो क्या है वो देखते हैं, 3/2 का क्यूब रेशो है, 2 का क्यूब उधर चला जाएगा, 2 का क्यूब रेशो 3 का क्यूब, क्यूब कैंसिल, 1 में से 2 क्या है 1/2 × 100 यानी 50%, जो आपका आंसर रहेगा वो होगा 50%। आइए अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं। अब अमाउंट आपको अलग अलग देगा, 3 वर्ष में कुछ पैसे 800 रुपए हो जाते हैं और 4 वर्ष में 840 हो जाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। पहला काम क्या करना है, बड़े बड़े जो है छोटे बड़े से डिवाइड, यहां टाइम 1 ही बचा है, तो इज इक्वल टू 1/8/100 क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अब निकालते हैं, 0 कैंसिल आउट होगा, 4 से 20 4 से 21 अब 21/20 को 21/20 को मैं 1+1/20 1+1/20 क्योंकि जब आप इसको जोड़ोगे तो यही आएगा 21/20। ये मैं लिख रहा हूं कि मैं आपको समझा रहा हूं, यदि आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके माइंड में टक से आएगा, प्रैक्टिस चाहिए बस। तो हमने 21/20 को 1+1/20 लिख लिया है, तो यहां के हिसाब से कंपेयर करते हैं, वहां भी 1 है यहां भी 1 है, फर्क से कितना है, वहां 100 है यहां 20 है, मैं इसको 100 बना देता हूं, किससे मिलने के लिए 5 से, तो अगर नीचे लिया है 5 से ऊपर भी क्या हो जाएगा 5, अब हम कंपेयर कर सकते हैं, R = 5 हमारा आंसर है।